हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विलियम वर्ड्सवर्थ इनकी जो टाइमलाइन है वो है 1717 सेवनटीन टू एटीन इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1717 इंग्लैंड डेट ऑफ डेथ है इनकी 23 अप्रैल एटीन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट जिन्होंने एस टी कॉलरेज के साथ इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च किया विदर ज्वाइंट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलट इन सेवनटीन नाइनटी एट ही वॉज अ पोएट लॉरेट जो कि सिक्स अप्रैल एटीन फोर्टी थ्री में अपॉइंट हुए थे और ट्वेंटी थर्ड अप्रैल हिस्सा ही रिमेन द पोइट लॉरेट वो है मेरी हचनसन जिनके साथ इनकी मैरिज हुई एटीन हंड्रेड टू में इनकी सिस्टर है डोरथी वर्ड्स वर्थ जो की एक पॉइट और डायरेस्ट थी मैग्नम ओपस मैगनम ओपस मीन्स इनका जो मास्टर पीस है वो है द प्रल्यूड It is a semi-autobiographical poem, posthumously titled and published. और इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया था इन 1850. इससे पहले इसका जो नाम था वो था द पोएम्स टू कॉलोरे पेरेंट्स हैं जोन वर्ड्सवर्थ इनके फादर थे एंड एन कुक्सन जो थी इनकी मदर थी ये 1795 में कॉलरेज से मिले और 1798 में इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया जिसको रोमांटिक एज की स्टार्टिंग माना जाता है लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पब्लिकेशन में दोनों में से किसी का भी नाम उस बुक पर नहीं था वर्ड्स वर्थ साउ रॉबर्ट साउदी एंड एस टी कॉलरेज तीनों मिलकर लेक डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए एंड इनको फिर लेक पॉइंट जो है कहा जाने लगा इन एटीन थर्टी एट वर्ड वर्थ रिसीव एंड ऑनररी डॉक्टोरेट इन सिविल लॉ इनके बारे में कहा था ए लोस्ट रीडर जेसी रैमसन रैनसम ने इनके बारे में कहा जायट ऑफ इंग्लिश पोएट्री एलिजेथ फे उन्होंने इनके बारे में कहा सॉर्ट ऑफ पोएट किंग अर्थ वर्ड्सवर्थ ने टोटल फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री सोनेट्स जो है अपने लाइफ टाइम में लिखे हैं

विलियम वर्ड्सवर्थ को कई पॉइंट्स ने क्रिटिसाइज भी किया जिसमें थे मैथ्यू अर्नल्ड मैथ्यू अर्नल्ड ने इनके बारे में कहा ही इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एट होम ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल अब्रॉड येट आई फर्मली बिलीव दैट द पोइटिकल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑफन दैट ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन अनडाउटडली मोस्ट कंसिडरेबल इन अवर लैंग्वेज जॉन कीट्स ने इनके बारे में कहा इगोइस्टिक सबलाइन बाद में ये फ्रेज काफी ज्यादा फेमस भी हुआ टेनिसन ने इनके बारे में कहा ही हैज अटर्ड नथिंग बट बेस लॉर्ड बायरॉन ने इनके बारे में कहा मॉरल यूनक विलियम वर्ड्सबर्थ का थॉमस हार्डी के ऊपर काफी ज्यादा इंफ्लुएंस था अकॉर्डिंग टू हार्डी लीच गैदर द लीच गैदर बाय विलियम वर्ड्सबर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर Or despair. William Hazlitt, unke megha. William Wordsworth was not a truly great poet and the spoiled child of disappointment. Now we will read about some famous quotations by William Wordsworth. The very first is The child is the father of man, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. The poet binds together by passion and knowledge the vast empire on human society. The flower that smells the sweetest is shy and lowly. All things that love the sun are out of doors. Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. It is the impassioned expression which is the countenance of all science. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes origin from emotions recollected in tranquility this is the most famous quotation by william wordsworth now we will read some major works of william wordsworth the very first is lyrical ballads 1798 lines composed a few miles above tinton abbey lyrical ballads along with preface to lyrical ballads 1800 lucy poems or solitude it is a collection of five poems the very first is Strange Fits of Passion Have I Known. She dwelt among the untrodden ways. I travelled among unknown mess. Three years she grew in sun and shower. A slumber did my spirit seal. Poems in Two Volumes, 1802. The World Is Too Much With Us. I Wandered Lonely as a Cloud, also called Daffodils, 1807. Poems in Two Volumes ode intimation of immortality the solitary reaper 1804 poems in two volumes london 1802 1807 poems in two volumes this poem is addressed to milton to the cuckoo the excursion 1814 written in nine books ye jo poem it is the second part of third work the recluse the prelude 1815 it is written in 14 books. It is an autobiographical work. The Borderers, 1842. It's the only play written by William Wordsworth. Michael, a pastoral poem, a part of lyrical ballads, in edition 1800. Descriptive sketches, 1793. My heart leaps up when I behold 1807 poems in two volumes. Repentance, a pastoral ballad. Ode to Duty. एटीन जीरो सेवन पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स टू द स्काईलार्क ये जो वर्क है एक पी बी शैली ने भी लिखा है उनका वर्क है जो वो है टू अ स्काई लार्क एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा है वो है टू द स्काईलार्क इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा द रेक्ल्यूज लार्जर फिलोसफिकल पोएम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ लाओडामिया एटीन फिफ्टी एटीन फोर्टी फाइव पीटर बेल एटीन नाइनटीन गाइड टू द लेक्स एटीन टेन एलिजियटी जीरो गैदर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नॉट एट दियर कॉन्वर्ट नैरोट एटीन जीरो टू पेटरारकन सोनेट है ये इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी डी सी सी डी इसको सोनेट अपॉन सोनेट भी बोला जाता है द टेबल्स टर्नड से नाइनटी एट पब्लिश इन लिरिकल बैलेट्स इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री रिकॉलिंग अ सी साइड वॉक विद नाइन ईयर ओल्ड कैरोलाइन हिज डॉटर फ्रॉम हिज गर्ल फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ आई होप यू लाइक इट इफ सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस